नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और टेक यार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एक रॉम इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल के ऊपर। तो आज मैं एक्चुअली इंस्टॉल करने जा रहा हूँ रेजरेक्शन रिमिक्स, वो भी शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो में। अब आते हैं, मैं डेफिनेटली आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बातें आपसे यहाँ पर कहना है। पहले तो आपका बूट लोडर फोन का जो है वो अनलॉक्ड होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो कैसा करना है तो कार्ड्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। रूटिंग की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ TWRP की आपको सख्त ज़रूरत है। तो TWRP कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने रूटिंग वीडियो में दिखाया है, उसका लिंक भी आपको कार्ड्स में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं पहले बार बना रहा हूँ रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। ये इकलौता वीडियो होगा हमारे चैनल पर जहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है रॉम। इसके बाद भी और भी रॉम्स आएंगे जिसका मैं सिर्फ और सिर्फ रिव्यू दिखाऊंगा, कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन सारे के सारे वीडियोज़ में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। और आज का जो रॉम है रेजरेक्शन रिमिक्स, ये एक बहुत ही इनिशियल बिल्ड है। और इस जो ये जो बिल्ड है इसको मत डाउनलोड कीजिए, मत यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत 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 ही ज़्यादा बग्स है। ऐसे ऐसे बग्स है कि हम लोग खुद एक्चुअली हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस गए थे। तो डेफिनेटली मैं आपको रॉम रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ट्यूटोरियल कैसे इंस्टॉल करना है, देख लीजिए। और ऐसे ही आपको इंस्टॉल करना है बाकी सब रॉम। अगर कुछ अलग सा एक रॉम आए जहाँ पर इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है तो डेफिनेटली मैं आपको उसका ट्यूटोरियल दिखा दूंगा। लेकिन ये मोर ऑर लेस एक जनरल आपको एक अंदाज़ा दे देगा कि कैसे रॉम इंस्टॉल करना है। यही एक जनरल ट्यूटोरियल है रॉम इंस्टॉलेशन के लिए। तो बिना वक्त गवाए रॉम इंस्टॉल किया जाए। तो दोस्तों, TWRP इंस्टॉल होने के बाद और TWRP में बूट होने के बाद आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस है। स्वाइप ऑप्शन में जाइए और वहाँ पर जाकर एडवांस में जाइए और ये जो चारों ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए। ये चारों ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद स्वाइप टू वाइप, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद हम लोग यहाँ से वापस आएंगे और यहाँ पर आएंगे इंस्टॉल में। और इंस्टॉल में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि जो फाइल है मैंने ऑलरेडी फ़ोन में कॉपी किया है, तो उसके साथ साथ जी एप्स का भी यहाँ पर फाइल है। तो पहले आपको जो रॉम है उसका फाइल को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद उसको स्वाइप टू इंस्टॉल करना होगा या फिर स्वाइप टू फ्लैश। तो वो हो गया है, वो हो रहा है एक्चुअली। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया है। होने के बाद आप वाइप कैश और डेल्विक ऑप्शन में जाइए, कैश और डेल्विक को यहाँ पर वाइप कीजिए और इसके बाद आपको फिर से वापस आना होगा। और ये जो इंस्टॉल जिप है यहाँ पर देख सकते हो, जो एक्चुअली ओपन गूगल का है, ओपन जी एप्स का है, उसको आपको यूज़ करना होगा। और इसको भी इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो अगर थोड़ा सा टाइम ले और फ़ोन थोड़ा सा हीट हो जाए, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं दोस्तों यहाँ पर रॉम का लिंक आपको नहीं दूंगा क्योंकि रॉम बहुत ही ज़्यादा बगी है। तो मैं जब मुझे एक स्टेबल बिल्ड मिल जाएगा, जो एक यूज़ेबल बिल्ड हो, डेफिनेटली मैं उसका जो लिंक वो मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा एक स्टेबल बिल्ड के लिए, यानी कि एटलीस्ट एक यूज़ेबल बिल्ड के लिए। ये बिल्ड यूज़ेबल भी नहीं है, यहाँ पर ठीक से USB भी डिटेक्ट नहीं होता है। तो ये जो दोस्तों बूट एनिमेशन है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बेसिकली ये बूट एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये है रेजोल्यूशन रिमिक्स का न्यू लोगो और बहुत कुछ ऑप्शंस है। एंड्रॉइड का वेलकम स्क्रीन है, देख सकते हो आप यहाँ पर, और सब कुछ मैंने कर दिया है। और एक्चुअली ऑडियो में चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा ऑडियो है यहाँ पर, और स्मूथ है। लेकिन बाद में जाकर जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तब मुझे बग्स नहीं नज़र आए, लेकिन बाद में जाकर बहुत ज़्यादा ही बग्स था। और यहाँ पे देख सकते हो फिनिश सेटअप के कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि टुडे टुमारो कुछ, मैं इसको बाद में करूँगा। और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शंस है। तो यहाँ पर जाते हैं सिस्टम में, पहले आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या वर्जन है, क्या कुछ है अबाउट फ़ोन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन है 8.1.0, रेजोल्यूशन रिमिक्स का वर्जन है वर्जन 6, और यहाँ पे जो एक्चुअली एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 5 अप्रैल का है, तो वो काफ़ी नया है। यहाँ पे ऑडियो आप देख सकते हो ईजिली, और लेकिन हाँ फिर भी मैं कहूँगा रॉम में काफ़ी सारे बग्स है। लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 हफ्तों में ये सारे बग्स ठीक हो जाएगा। और ये है रेजोल्यूशन रिमिक्स का कॉन्फ़िगरेशन पैनल, जो शायद दुनिया में सबसे बेस्ट है। पता नहीं आपको कुछ और रॉम अच्छा लगता है नहीं, लेकिन मुझे रेजोल्यूशन रिमिक्स का ये जो कॉन्फ़िगरेशन पैनल है ये सबसे अच्छा लगता है। शायद थोड़ा सा हैवी होता है इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आपको नेटवर्क ट्रैफिक का भी एक लोगो या फिर ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा। और ऑन स्क्रीन ऐप बटन भी काफ़ी नए नए दिखने वाला है, काफ़ी अच्छा गुड है यहाँ पर। और चलिए आते हैं कुछ फिंगरप्रिंट स्कैनर में। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर काम कर रहा है मेरे डिवाइस पर और काफ़ी फास्ट भी है मैं कहूँगा। और यहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। और अब आते हैं कैमरे में, तो देखते हैं कैमरा कैसा है, काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ओके, तो ये एक फ़ोटो मैंने खींचा है और क्वालिटी जो है वो एवरेज है, नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए 5 प्रो से वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।